हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनक्रेडिबल इंडिया की, भारत और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहली अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। उसके पहले भारत के अंदर जो है वो 1,55,015 जो है पोस्ट ऑफिस, टोटल नंबर ऑफ आपके पोस्ट ऑफिस है, और हर पोस्ट ऑफिस जो है वो तकरीबन 7,175 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनको वहाँ पे सर्व करता है। भारत के अंदर 2011 के अंदर एक फ्लोटिंग जो आपका पोस्ट ऑफिस है डल लेक श्रीनगर के अंदर एस्टैब्लिश वहाँ पे किया गया, और अभी भी जो ये फ्लोटिंग पार्क है, अभी फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे काम कर रहा है। अगले फैक्ट की बात करें तो जो कुंभ मेला है, जो भारत का सबसे बड़ा या कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एक गैदरिंग होता है, इस बार 2011 में जब कुंभ का मेला हुआ तो तकरीबन 75 मिलियन पिलग्रिमेज जो है आपके दर्शनार्थी वहां पर आए, और जब स्पेस से जब देखा गया सैटेलाइट से तो कुछ इस तरह का जो इमेज है वो कुंभ के मेला का यहां पर देख रहा था। तो ये सबसे एक इकलौती ऐसी ह्यूमन गैदरिंग है जिसको आप स्पेस से, आपको अंतरिक्ष से भी आप उसको वहां पर देख सकते हैं, है ना। अगले फैक्ट की बात करें तो भारत के अंदर दुनिया का सबसे वेट, सबसे गीला जो स्थान है वो भारत के अंदर है, वो है आपका मानेसराम, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश अभी यहाँ पे होती है। इसके पहले ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है आपके खासी जो हिल्स है मेघालय में, उसका पार्ट था, और इसके पहले जो चेरापूंजी है जो सिर्फ मेघालय का ही पार्ट है, 1860 में 1861 के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो दुनिया के अंदर वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी। बांद्रा वर्ली सीलिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, जो मुंबई के अंदर एस्टैब्लिश है। इसके अंदर जितने भी स्टील वायर्स लगे हैं वो स्टील वायर्स का जो लेंथ है वो इतना है कि अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है, पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि के अभी पे बराबर है, ठीक है। टोटल 257,000 जो मैन आर्ट्स हैं वो मैन आर्ट्स अभी इसको बनाने में यहाँ पे लगे हैं, और तकरीबन 50,000 जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है उसका वेट अभी यहाँ पर इसके अंदर है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है जो आपके मुंबई के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। अगले फैक्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो क्रिकेट ग्राउंड जो है आपके चेल क्रिकेट ग्राउंड इस्टेब्लिश किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसका जो टोटल हाइट है वो है 2,444 मीटर। 1893 में 1883 के अंदर अभी यहाँ पे चेल मिलिट्री जो स्कूल अभी इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके साथ में इस्टेब्लिश किया गया था। ये उसका एरियल व्यू है, हवा से लिया गया इसका चित्र है। अगली फैक्ट की बात करें तो शैम्पू तो आप सब लोग करते ही होंगे, ठीक है, लेकिन शैम्पू इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, शैम्पू आया कैसे? तो शैम्पू जो है वो दुनिया को हमने, भारत ने दिया, और उसको जो है एक वर्ड है संस्कृत के अंदर, उसका नाम है चंपू। तो चंपू से कहा जाता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो शैम्पू वर्ड बना है। पहले जो हर्ब्स वगैरह होते थे शिकाकाई और कई सारे आंवला वगैरह, उनसे उन हर्ब्स का उपयोग करके जो शैम्पू है वो शैम्पू बनाया जाता था, चंपू बनाया जाता था, जो बाद में कन्वर्ट होके शैम्पू का कंसेप्ट अभी यहाँ पे लेके आया। तो लोगों को जो सिर धोना है वो हमने सिखाया है। अगले फैक्ट की बात करें तो भारतीय जो कबड्डी टीम है, कबड्डी तो आप सबने बचपन में कभी ना कभी खेला ही होगा, भारत की जो कबड्डी टीम है अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, 5 आपके मेंस वर्ल्ड कप हुए हैं, और भैया पांचों वर्ल्ड कप के अंदर हमारी जो भारत की टीम है, भारत की टीम जीत के आई है, और हमारी जो महिलाएं हैं वो भी कम नहीं है। वुमन जो हॉकी टीम, आपका जो कबड्डी मैचेस हुए थे उन सभी वुमन कबड्डी मैचेस को भारत की जो टीम है उसी टीम ने अभी यहाँ पे जीता है। अगला फैक्ट की बात करें तो धरती पे तो पानी है जिसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे, जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मून के ऊपर जो पानी है सबसे पहले हमने ढूंढा था। 2009 के अंदर इसरो का जो चंद्रयान 1 मिशन गया था, इस चंद्रयान मिशन ने पहली बार अभी ये इन्फॉर्मेशन दी कि अभी जो ये वाटर है वो आपके चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे पानी के जो कुछ स्रोत हैं वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। अगले खबर की बात करें तो साइंस डे तो हम हर साल भारत के अंदर 28 फरवरी को मनाते ही हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर जो साइंस डे है वो हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके से रिलेटेड वहाँ पे मनाया जाता है। 2006 के अंदर डॉक्टर कलाम जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर गए थे, वो स्विट्जरलैंड के अंदर गए थे 26 मई को, और जिस दिन उन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर गए थे उस दिन को वो लोग जो है वो साइंस डे के रूप में या विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। अगले फैक्ट की बात करें तो भारत के पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते थे, उन्होंने अपने 12 साल के पूरे कैरियर के अंदर, एज अ प्रेसिडेंट अपने कैरियर के अंदर, उन्होंने अपनी सैलरी का सिर्फ 50% लेने की अभी वहाँ पे बात की थी। टोटल 50% सैलरी लिया, और वो जब लास्ट में जब रिटायर्ड हुए तो पता चला कि उन्होंने अपनी सैलरी का सिर्फ 25% अभी वहाँ पे लिया था 12 सालों के अंदर, ठीक है।
है कितनी सैलरी हुई थी राष्ट्रपति की उस समय पे, 10,000 रुपए जो सैलरी है राष्ट्रपति की हुआ करती थी। आज के टाइम पर राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। अगली खबर की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का जो पहला रॉकेट है, पहला रॉकेट जो है वो साइकिल के ऊपर ले जाया गया था। थुम्बा जो लॉन्चिंग सेंटर है आपका तिरुवनंतपुरम के पास में, तो वहां पर जो है केरला में, इस प्रकार से साइकिल के ऊपर हमारा जो देश का पहला रॉकेट है वो ले जाया गया था। सोचो इसरो ने कितना प्रोग्रेस जो है अपने करियर के, अपने पूरे लाइफ के अंदर अभी यहाँ पे किया है ना। हम लोग स्पा में जाते हैं हमेशा, वहाँ पर हम जाके स्पा करवाते हैं, लेकिन एलिफेंट का जो स्पा है, इंडिया के अंदर एक स्पा है एलिफेंट का, और यहाँ पर जो है आपके एलिफेंट को स्पा किया जाता है, एलिफेंट का एक अलग से यार्ड बना हुआ है। अरे ये आपके जो है पुथनकुट्टा के अंदर इसको स्टैब्लिश केरला में किया गया, ये लोग बढ़िया हाथी को नहला रहे हैं। ओके, और अगले फैक्ट की हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग अभी कंट्री है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जहाँ पर 125 मिलियन लोग जो है वो इतने अभी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वहाँ पर बोलते हैं, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश। ये 125 मिलियन जो है भैया हमारे जो है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन के लगभग यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, ये तो आपने सुना ही होगा। ओके, अगले फैक्ट की बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो शाकाहारी लोग हैं, वो भैया हमारे भारत के अंदर है। भारत के अंदर तकरीबन 20% से लेकर 40% जो लोग हैं वो आपके वेजिटेरियन है, किसी भी कारण से, अपने फूड हैबिट के कारण से, अपने रिलीजियस जो बिलीफ है, धार्मिक जो बिलीफ है उसके कारण जो है 20 से 40% लोग जो है भारत के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो है हमारे देश के अंदर है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। क्या आप हैं? हो नहीं है तो आपको होना चाहिए। ओके, अगले फैक्ट की बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे पहले जो शुगर है, शकर है, वो कंज्यूम करना भारतीयों ने शुरू की। गन्ना तो हमारे यहाँ से शुरू से यहाँ पे होता है, और पहली बार हमने जो शुगर है उसको एक्सट्रैक्ट और प्यूरीफाई किया, और दुनिया के सामने पहली बार जो शुगर है वो शुगर का कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिखा था, ठीक है। और कई सारे जो विजिटर्स आए भारत के अंदर, कई सारे लोग आए जिन्होंने भारत के अंदर आपका जो रिफाइनिंग है आपकी शुगर की उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी थी। अगले फैक्ट की बात करें तो शकुंतला देवी के नाम पे तो आपने सुना ही होगा, उन्हें एक बहुत ही बड़ा नंबर था, 13 डिजिट का नंबर था, 7686369774870 2465099747। इस नंबर का मल्टीप्लाई जो है 28 सेकेंड के अंदर किया था। शायद इसको पढ़ने में मुझे 5 सेकेंड लग गए होंगे, लेकिन 28 सेकेंड में इस मल्टीप्लीकेशन को रैंडम नंबर उठा के उन्होंने मल्टीप्लाई किया था, एंड शी वॉज कॉल्ड द ह्यूमन कैलकुलेटर, या ह्यूमन कंप्यूटर भी उनको पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व हैं, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर इकलौते जिन्होंने दो देशों का जो राष्ट्रगान है, दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, हमारा जनगणमन, और दूसरा आपका बांग्लादेश का जो नेशनल सॉन्ग है, उनका नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वहाँ पर लिखा गया है। इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन जब जलियांवाला मैसेकर हुआ तो उस समय पे अपने उन्होंने जो उपाधि उनको दी गई थी वो उपाधि उन्होंने जो है वापस लौटा दी। अगले फैक्ट की बात करें तो ध्यानचंद को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो वो जब जर्मनी के अंदर आपके बर्लिन ओलंपिक के अंदर खेलने गए 1936 के अंदर, और भारत ने जर्मनी को 8-1 से अभी यहां पर हरा दिया, और उसके बाद जर्मनी को जो टीम है हारने के बाद वहां का जो हिटलर था, जो वहां का तानाशाह हुआ करता था, वो पूरा मैच वहां पर फाइनल का देख रहा था, और उसने अभी ऑफर किया हमारे ध्यानचंद को कि भैया तुम हमारी टीम में आके शामिल हो जा, लेकिन उन्होंने क्लियरली वहाँ पे डिनाई कर दिया कि ठीक है मैं अपने देश के अंदर ही अच्छा हूँ। काफ़ी बड़ी पोस्ट कहा जाता है कि उनको जर्मनी के अंदर वहाँ पे ऑफर की थी, राष्ट्रभक्ति का इससे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हो नहीं सकता। अगला फैक्ट की बात करें तो फ्रेडी मर्करी और बेन किंग्सले, इन दोनों के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत जाने माने सिंगर हैं, ठीक है। इनके गाने समझ में नहीं आते होंगे आपको, लेकिन कम से कम सुने तो होंगे, मुझे तो नहीं आते, आपकी बात अलग होगी, ठीक है। तो जो फ्रेडी मर्करी हैं ये दोनों जो है वो भारतीय हैं, तो जो फ्रेडी मर्करी हैं उनको क्वीन करके एक बैंड है, वो बैंड से अभी यहाँ पर संबंधित है, एक पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और उनका जो नाम है ओरिजिनल वो है फारूक पुलसारा, जबकि एक हॉलीवुड जो आपके स्टार हैं बेन किंग्सले, ये भी भारतीय हैं, और इनका जो नाम है वो है कृष्ण पंडित भांजी, ठीक है। क्या बात है, भारतीयों की बात। अगली खबर की बात करें, अगले फैक्ट की अब बात करें तो एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा का नाम आपने सुना ही होगा, जब वो अंतरिक्ष में गए, पहले भारतीय थे, इंडियन ओरिजिन के थे, अमेरिका के अंदर पहले भारतीय थे जो स्पेस के अंदर गए, और स्पेस में अंदर जाने के बाद इंदिरा गांधी ने उनसे बात की, और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि भारत वहाँ से कैसा दिखता है, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है और रहेगा।
अगला फैट की बात करें, हैवेल्स के बल्ब तो आपने घर में लगे ही होंगे, है ना, हम हमेशा हैवेल्स का बल्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जो हैवेल्स जो ब्रांड है वो एक भारतीय ब्रांड है और एक भारतीय कंपनी जो है वो उसको यहाँ पे चलाती है, और इसका जो नाम है, इसका जो ऑनर थे, जो पहले ऑनर थे जिन्होंने कंपनी को बनाया था, उनके नाम से है। और कंपनी के ऑनर का नाम आप जानेंगे, कंपनी के ऑनर का नाम था हवेली राम गुप्ता, हवेली से जो है वो हैवेल्स बना। अगला फैक्ट की बात करें तो दुनिया के अंदर जो डायमंड माइनिंग है वो भारत ने सबसे पहले स्टार्ट की, ठीक है, पन्ना वगैरह के अंदर डायमंड जो है वो काफ़ी बाद में यहाँ पे हुआ, लेकिन उसके पहले जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उस पूरे एरिया में, गुंटूर और उसके आसपास में एरिया में, दुनिया में सबसे पहले जो हीरा है उसका एक्सट्रैक्शन वहाँ पर स्टार्ट हुआ, उसकी माइनिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट हुई। उसके पहले दुनिया के अंदर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और उसके बाद 18th सेंचुरी में जाके, 18वीं शताब्दी के अंदर जाके जो है ब्राज़ील के अंदर उसका जो हीरे का उत्खनन है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी अपनी हाइट के ऊपर है, और हमारी जो चुनाव व्यवस्था है उसके तो क्या कहने हैं। एक व्यक्ति हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर, वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है हर बार चुनाव के अंदर, और ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है महंत भारत दास दर्शन दास, और इनके लिए हर साल जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा पंचायत कभी भी, इन अकेले के लिए गिर फॉरेस्ट के अंदर जो बानेज करके जगह है वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। इनके टशन की बात ही अलग है। चलिए अगले फैक्ट की बात करें और आखिरी फैक्ट की बात करें तो स्नेक ऑन लैडर्स आपने या फिर सांप सीढ़ी का खेल आपने सबने खेला होगा, बचपन से ही खेल हमारा काफ़ी फेवरेट था। इसकी जो शुरुआत है वो भारत के अंदर यहाँ पे हुई थी, पहले इसको मोक्ष पटामू के नाम से जाना जाता था, एंशियंट टाइम से गेम खेला जाता है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इसका कमर्शलाइजेशन हुआ तो स्नेक एंड लैडर्स या सांप सीढ़ी के रूप में हुआ, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो आपका जो गेम है वो गेम अभी यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो लूडो का गेम है आपके मोबाइल के ऐप के ऊपर, वो जो ऐप है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर मैं एमबीबीएस कैटेगरी के पढ़ाता हूँ, तो अब मेरा जो कोड है योर सिविल सारथी, इस कोड का यूज़ जो है अनअकैडमी के किसी भी एमबीपीएससी यूपीएससी किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और इस प्रकार के और फैक्ट्स आप चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी जो ये फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को शेयर करें। थैंक यू।